पर आपके सामने ये चुकंदर हम काटें, किस तरह से काटेंगे? किसी भी तरह से काट लें। कुछ चुकंदर को जो है मैं थोड़ा सा साबुत रखूंगा, जैसे ये एक पीस है, इसको मैं सेव करके रखूंगा एक साइड के ऊपर ताकि हम इसको बाद में यूज कर सकें। इसी तरह से एक खीरा है, इसको भी हम बाद में यूज कर सकें, इसको सेव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे चुकंदर और ये आपके सामने जो है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डाइस काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से हमने इसको डाइस काट लिया हमने इसको, जब तक मेरा मीट वहाँ पे तैयार हो रहा है, ताकि मेरा मीट भी तैयार हो जाए। पहले इसको स्लाइस करके हमने आधा काटा, फिर उसको हमने एक इक्वल साइज के ऊपर आपने डाइस काटना है, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। ये देखें आप, ये आपने काट लिया इसको, ठीक। चुकंदर भी आप काटते चले जाएं इक्वल साइज। फिर आपसे नाजीन छोटे बड़े का यहां पर ये, यहां पर आपके सामने नाजीन, बहुत माजरत, दोबारा मैं करूंगा उन लोगों को जो कॉल मिलाना चाह रहे हैं। हमारा नंबर चेंज हो गया है, लेकिन नंबर आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे आपको क्या नंबर हमारे पास है। 35 नंबर आ गया है हमारे पास, आप नोट डाउन करें प्लीज अपने मोबाइल पे, या पेपर और पेन आप साथ में ले लें। 35 3537 1478, दोबारा रिपीट करता हूँ जी, 35 3 7 1 4 7 8, मैं बार बार आपको रिपीट करता रहूंगा, 35 3 7 1 1 4 7 8, ठीक है। थोड़ा सा भी मुझे भी टाइम लगेगा रिपीट करने में, बार बार आपको वो आपको मैं ले चलूंगा, लेकिन उस तरफ भी आपको बार बार, ताकि प्रॉब्लम ना हो नंबर का। और प्लीज हमें कॉल करें 35 3 7 1 4 7 8, इसके ऊपर आप हमें रिंग करें, क्योंकि अभी फोर्थ ब्रेक हमारा आ रहा है और आज हम डिसकनेक्ट हैं हमारे प्यारे प्यारे लोगों के साथ, जिनसे हम रोजाना बातें करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा सा मिस कर गए आपको। और हमारी पहली कॉलर आ गई है, उनसे बात करते हैं, काफी देर के बाद उनसे मिला है। शबाना है सक्खर से, इस्लामाबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बिरयानी बना रहा हूँ, जबरदस्त खुशबू आ रही है, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने जैसे नंबर बताया मैंने वैसे ही डायल कर दिया। अच्छा, तो आप फोन पकड़ के ही बैठी थी, फौरन आपने नंबर दिया। बिल्कुल, चले बहुत अच्छा काम किया ना आपने, कि आपने टाइम नहीं जाया किया। आपको एडवांस में ईद मुबारक। आपको जी, आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, पेशगी ईद मुबारक मेरी तरफ से। भाई आपने जो ये बिरयानी का मसाला बनाया, इसमें आपने प्याज और टमाटर एक किए? टमाटर और प्याज, टमाटर तो आप डाले ही नहीं, मैंने इसमें सिर्फ प्याज डाली है। अच्छा, बस यही पूछा क्योंकि मसाला बहुत अच्छा बन रहा है, मेरी छोटी मसाला इसका, बिलीव मी, मैंने आपको कहा ये ईद स्पेशल, आपको बिरयानी आज ही बना के दिखा रहा हूँ। ये वो चीज है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जो मैं बाज़ार खुद भी ट्राई करता हूँ, एंड इट्स वन ऑफ माई फैमिली फेवरेट, क्योंकि मेरे घर के अंदर ये बिरयानी बहुत बनाई जाती है, इट्स ऑलमोस्ट बनाई जाती है। तो ये आप देखें, आप इसको एंजॉय करें, खाएं, मजा आएगा आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शबाना की छोटी बहन जमीला बोल रही हूँ जी। कहिए, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, आप सुनाइए। अच्छा, मैंने आपसे कहना था कि प्लीज चिकन मैक्रोनी बनाना सिखा दें। चिकन मैक्रोनी? जी जी। अच्छा ठीक है बेटा, आपको चिकन मैक्रोनी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जमीला है। जमीला जी, चिकन मैक्रोनी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे ईद के बाद भी एक हफ्ता दें, मतलब के इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस मंथ, उसके बाद जो है मैं दोबारा रिपीट में आ जाऊंगा। अभी मैं सारी बीफ से रिलेटेड डिशेज बना रहा हूँ, तो फिर हम चिकन और लैम। ओके जी, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट हमने लिख ली है और आपकी रिक्वेस्ट इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगी, चिकन मैक्रोनी आपको जरूर बना के दिखाऊंगा। लेकिन आपने हमारे प्रोग्राम में से कभी कोई और डिश बनाई है? जी, हमारे प्रोग्राम में से जो हम डिशे बनाते हैं, आप देखती हैं, तो कोई और डिश बनाई है आपने इससे पहले? नोट तो काफी सारी की है, लेकिन फिलहाल टाइम ही नहीं मिला, एक्चुअली वो कॉलेज की छुट्टियां ही नहीं होती, तो दैट्स व्हाई हम बिल्कुल लाइक कुकिंग को फारिग ही नहीं होते, नोट काफी सारी की। अरे कुकिंग तो बड़ी मजेदार चीज है, ये भी एक तरह की क्लास है, जब ले रही है तो पूरा करे ना इसका सब्जेक्ट भी। भाई हम मैसेज देना चाहते हैं अपनी अम्मी और भाइयों को, दुबई में है, उसे ईद मुबारक देना चाहते हैं। बिल्कुल आप दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कहिए आप। और बहुत शुक्रिया भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جمیلہ اور شکیلہ میرا خیال سے دونوں شبانہ دونوں کے نام تھے, اور یہ اپنی والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو میرا خیال سے یہ پڑھنے کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں, اور ان کو عید کی مبارکباد دینا چاہتی ہیں. تو ان کی عید کی مبارکباد ہمارے ذائقہ کے تھرو مارننگ مزہ میں آپ کو مل گئی ہوگی انشاءاللہ اگر آپ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی. اچھا جی یہاں پر تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اور یہ دیکھیں آپ اس کا بریانی کا مسالہ تیار ہو گیا ہے, اور میں نے اب اس کو کھول اس لیے دیا ہے کہ اس میں جب مجھے کچھ نہیں کرنا ہے, خالی بریانی کو دم پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ اس کا بہت شاندار سا مسالہ ہے. ذرا تھوڑا سا رنگ اس کا ایسا ہے اس لیے کہ اس کے اندر گرم مسالہ ہے, اس میں ٹمیٹو نہیں ہے, اس میں پیاز میں نے سرخ کر کے ڈالی تھی اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کڑھائی کے لیے میں آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں, کڑھائی کے گوشت کو میں نے جنجر اور ادرک لہسن کے اندر میں نے اس کو اچھی طرح پکایا بھونا, اور بھوننے کے بعد میں پانی اتنا ڈال دیا تھا کہ یہ مزید نرم ہو جائے, سافٹ اس کا میٹ ہو جائے. اور جب میٹ سافٹ ہو گیا تو اس میں یہاں پر میں نے اس کے اندر جو ہے ٹمیٹوز ڈال دی, اور ٹمیٹوز کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں تقریباً 2 چمچے بھر کے اس کے اندر گھی ایڈ کر دوں گا, اور ہم ٹمیٹو کو اتنا انتظار کریں گے کہ ٹمیٹو پہلے اچھی طرح سے ہو جائیں, سافٹ ہو جائیں, پھر اس کے اندر ہم باقی کے مسالہ جات ڈالیں گے. اور مسالہ جات کوئی ایسے خاص نہیں ہے, وہ بھی آپ کو میں دکھاتا چلوں گا, لیکن یہاں پر پہلے یہ آپ کے سامنے ٹماٹر اچھی طرح سے پکانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم بریانی بھی لگانا شروع کرتے ہیں, اور شازیہ ہیں لاہور سے, ان سے بھی بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ. جی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں شکر اللہ کا, کافی دنوں بعد دوبارہ کال کی ہے. ہاں کہیے شازیہ, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بس آپ کی تعریف کرنی تھی پروگرام. اچھا چلے, اور یہ کڑھائی گوشت کی فرمائش کرنی تھی, وہ آج بن رہا ہے. وہ بن رہا ہے, بریانی آپ کے سامنے بن رہی ہے. تو عید کا یہ ایک تو یہ شاہ بھائی کی طرف سے تحفہ ہے, اگر آپ بنائیں تو انجوائے کریں گی انشاءاللہ. آواز بہت اچھا. آج ہمارے یہاں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہی فون کا چل رہا ہے صبح سے, آج یہ چوتھے بریک کے اندر جو ہے ہمیں پہلی کال ملی ہے, دوسری کال. تو آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ, آپ معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے, لیکن آپ صحیح آ رہی ہے. اچھا چلیں, کچھ اور کہنا چاہیں گی آپ؟ بس بہت شکریہ, اچھا پروگرام بہت اچھا, اچھا بہت اچھی کھانے چکاتے ہیں آپ, شکریہ بہت بہت. آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ ہمارے پروگرام میں سے ابھی تک کتنی ڈشز بنا چکی ہیں یا بناتی ہیں, یا خالی پروگرام ہی دیکھتی ہیں بس؟ کافی ڈشز بنا چکی ہوں آپ کے, اور آپ ہی کی بنائی ہوئی ساری ڈشز بنا رہی ہیں. اچھا میری ہی بنائی ہوئی ساری ڈشز بنا رہی ہیں؟ جی. چلیں یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات بتائی کہ آپ ہماری ڈشز کو ہی فالو کر رہی ہیں. تو آپ کو کیا رزلٹ کیا مل رہا ہے یہ بھی بتاتے چلیں ساتھ ساتھ؟ ہاں جی بہت اچھا رزلٹ مل رہا ہے, بچے بڑے خوش ہیں. اچھا امی کا گھر میرے پاس ہی ہے. اچھا جی امی کا بھی گھر آپ کے پاس ہے, تو میرا خیال سے آپ گھر کھانے وہاں پہ بھی بنا بنا کے دکھاتی ہوں گی. ناظرین اب وقت ہو گیا بریانی کو لگانے کا, تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے, آپ کے سامنے تھوڑا سا چاول میں نے نیچے رکھا ہے, اور ایک تہہ میں یہاں پر لگا رہا ہوں بریانی کے لیے, اور ساتھ ہی مجھے پھر میرے پیچھے ہیں کہ بریک آپ نے لینا ہے, تو ہم لے رہے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک. آپ کہیں نہیں جائیں کیونکہ میں یہاں پر بلڈ اپ کر رہا ہوں 2 سے 3 لیئر بریانی کی, کوشش کروں گا کہ ایک لیئر آپ کے لیے چھوڑ دوں جب واپس آئیں گے بریک سے, تب ہم آپ کو لگا کے دکھائیں گے, لیکن ہاف کام میں کر کے رکھتا ہوں. یہاں پر آپ دوبارہ ہمارا دیکھیں گے ریسیپی کارڈ, اسپیشل بریانی, ساتھ ساتھ آپ کو بیف کی کڑھائی میں نظر آئے گی, اور اس کے ساتھ ہی چکندر اور کیوکمبر کا رائتا جو کہ بریانی کے ساتھ بیسٹ کمبینیشن ہے. ول سی یو آفٹر دا شارٹ بریک. جانے سے پہلے ریسیپی کارڈ ضرور نوٹ ڈاؤن کیجیے. We'll be right back.
वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर द ब्रेक। और आपके सामने मैंने कहा था एक रो मैं इसकी रोक के रखूंगा ताकि हम जब वापस आएंगे तो इसके अंदर हम मसाला डालेंगे। और मसाले में हमने क्या डालना है, थोड़ा सा धनिया बिल्कुल, और पुदीना सरा सा, और हरी मिर्चें, और लेमन और टमाटर। ये बिरयानी का मज़ा बड़ा दुबाला कर देते, खासकर जब कच्ची कच्ची बिरयानी होती है तो कच्चा ये मसाला होता है तो बहुत। नंबर है हमारा 3537-1478, ठीक है नाज़रीन। और उसके साथ साथ ही आपके सामने एक और कॉलर है मेरे ख्याल से सारा, और सखर से उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम नदीम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा आप बिरयानी देख रही हैं आज की? जी देख रही। अच्छा क्या कहेंगी? बस बहुत अच्छी बना रहे और माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं ना आप। अच्छा थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। लेकिन आपको खाने के बारे में क्या कहेंगी, खाना कुछ बनाया आपने पूरे हफ्ते वीकेंड के ऊपर? मैंने तो नहीं बनाया, आजकल मैं बना नहीं रही हूँ, मेरी सिस्टर कुकिंग करती है अभी तो फिलहाल। अच्छा आपकी सिस्टर कुकिंग करती है और आप खाती हैं खाली? नहीं मुझे खाने पीने का भी। अच्छा आपकी सिस्टर का नाम फिरोजा है ना मेरा ख्याल से शायद? जी फिरोजा। हाँ, फिरोजा जी, कुकिंग करती है, मैं रोटियां पकाती हूँ। ओ अच्छा रोटियां पकाती हैं, अच्छा काम करती हैं, खैर आप बुरा काम नहीं करती हैं, रोटियां अगर पकाती हैं तो वो भी अच्छा काम है। अच्छा चलें आप ये बताइए कि आप ये बिरयानी आपने नोट डाउन कर ली है आज की ईद की स्पेशल, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। जी आप इतनी अच्छी चीजें बनाते हैं ना, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, तो वो फिरोजा करती हैं, वो आपकी ट्राई भी कर लेती हैं कुछ। अच्छा और अभी तो ऐसा था नदीम भाई, हमारे जायका टीवी आ नहीं रहा था दोबारा से। अच्छा फिर अभी ऐसा हुआ, कंप्लेन की है तो फिर कल से आना शुरू हुआ है दोबारा से। अच्छा चलें अल्लाह का शुक्र है कि आ गया, तो ईद पे आप लोगों को एंजॉय करने को मिलेगा। शुक्र है कि चलें ईद पे आपके प्रोग्राम तो देख लेंगे ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद में हम आपके साथ साथ होंगे, आप लोगों के लाइफ में तो इंशाल्लाह वो देखिएगा आप जरूर। और एडवांस में आज मैं आपको ईद मुबारक। हाँ जी हमारी तरफ से भी एडवांस में अभी से शुरू, आपको भी आपके घर वालों को और सब देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, और आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत मुबारक हो। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और यहाँ पर आपकी कॉल के साथ साथ बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया है, आपने देखा होगा मैं बिरयानी को साथ साथ बातें भी कर रहा था और इसके साथ ही मैं दम पे रखा था। लास्ट में भी मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ा सा फूड कलर बना के डाला और उस फूड कलर के साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश दही, ताज़ा दही, क्योंकि जब ताज़ा दही चावलों में मिलेगा तो उसका भी एक मज़ेदार सा रहेगा। और अच्छा अब हम चलते हैं एक अपनी छोटी सी डिश की तरफ जो कि हम कढ़ाई बना रहे थे। डिशें दो हैं लेकिन मज़ेदार किस्म की डिशें, दोनों बहुत फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट डिश है। टमाटर मेरा अच्छी तरह से पक गया है, जैसा टमाटर आपको कढ़ाई के अंदर चाहिए होता है वो टमाटर आपका पक गया है। इसमें तकरीबन बहुत हल्का स्पाइस, कोई गर्म मसाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर सिर्फ 1.5 टीस्पून मैं चिली पाउडर डालूंगा, और इस चिली पाउडर के साथ साथ अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चिली पाउडर कम कर दें 1/4, और उसके साथ ही इसमें आप तकरीबन, कौन है कॉलर? फौजिया है फैसलाबाद से, तो 3-4 आपने यहाँ पे ये क्रश चिलीज जो है क्रश करके इसमें डाल दें या इसको हल्का सा तोड़ लें ताकि कढ़ाई का इसके अंदर मज़ा आए। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, और अगर यहाँ पर ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ लाल मिर्चें और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च इसमें डालूंगा, और हस्बे जायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और उस नमक के साथ साथ हम लेते हैं कॉल फौजिया की, कहाँ से है? फैसलाबाद से। जी सलाम अलैकुम फौजिया। नदीम भाई जी, जी मुझे इतना दुख हो रहा ना, तकरीबन मैं सुबह से काम ला रही हूँ, तो जब आपका यह प्रोग्राम शुरू हुआ ना मैं पहले वाला नंबर ट्राई करती रही। बेटा आज हमसे मिस्टेक हुई भी है यहाँ पे थोड़ी सी, हमें थोड़ा सा प्लीज आप लोग प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकली कुछ लाइन पर, इसलिए लाइन चेंज कर दी गई है ताकि आप लोगों को कम से कम कंटिन्यू टेलीफोन मिलता रहे आप लोगों का।